वाली जरदारी मौसम नकवी पाकिस्तानी बैंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स के दुबई में महंगी जायदादें। दुबई रिच में भारतीय सबसे आगे, तेरे पास कुछ नहीं, मोदी के दोस्तों की भी जायदादें निकल आई। प्रॉपर्टी रिच प्रोपेगंडा मुहिम या कुछ और, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। पहले पनामा पेपर्स, फिर पेंडोरा पेपर्स और अब पेश खिदमत है दुबई प्रॉपर्टी लीक्स, जिसमें उन अफराद के नामों का भी जिक्र खैर किया गया है जिनकी दुबई में जायदादें हैं। वैसे तो कोई भी बिजनेसमैन या ऐसे अफराद जिनकी आमदनी ज्यादा हो और उनका दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी खरीदना कोई जुर्म नहीं है। कोई भी अपने ऐसे पैसे को जिसका वो टैक्स अदा करता है, इससे कुछ भी और कहीं भी खरीद सकता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सियासी लीडर और बड़े बड़े इदारों के अफसरान अपनी महदूद आमदनी में अरबों रुपयों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाएं और फिर उन्हें खुफिया भी रखें। ऐसे ही कुछ अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से भी है। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। इस फहरिस्त में सियासी शख्सियात, आलमी सतह पर पाबंदियों का शिकार अफराद, मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस और जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। दुबई अनलॉक्ड नामी ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर 2020 और 2022 के दरमियान के ऐसे अदादोशुमार पर मबनी है जो दुबई में लाखों जायदादों का तफसीली जायजा और उनकी मलकियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। इस रिपोर्ट में वो जायदादें शामिल नहीं जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गई और जो कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। ये अदादोशुमार सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़ ने हासिल किया है, जो वाशिंगटन DC में वाक़ एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। इसके बाद इसे नॉर्वे की मालियाती आउटलेट E24 और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ शेयर किया गया, जिसने 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामा निगारों के साथ 6 माह के तहकीकाती मंसूबे को अंजाम दिया। इसमें मुतद्दिद सज़ायाफ्ता मुजरिमों, मफरूर मुजरिमान और सियासी शख्सियात को बेनकाब किया गया जिन्होंने हाल ही में दुबई में कम अज़ कम एक जायदाद की मलकियत हासिल की है। इनमें दी न्यूज़ और डॉन पाकिस्तान भी इस मंसूबे में शराकत दार थे। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया के कई सियासी शख्सियात, हकूमती अहलकार और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम भी शामिल हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का नंबर दूसरा है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। साल 2018 में आसिफ जरदारी को एक गैर मुल्की जायदाद तोहफे में मिली। जब उन्होंने 2018 में इसे डिक्लेयर किया, तब तक वो ये जायदाद किसी को तोहफे में दे चुके थे। 2014 में जारी अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के साथ नामजद मुलजिम और बिजनेस टाइकोन अब्दुल गनी मजीद ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया कि उन्होंने 32.90 करोड़ रुपए मालियत का एक तोहफा दिया था। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद और इनकी अहलिया को भी मुतद्दिद जायदादों के लिस्टेड मालिक के तौर पर दिखाया गया है। इनमें से एक की कीमत मालूम की तो पता चला कि इसे मार्च 2013 में 10,60,626 दिरहम यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। सौरभ डंशा भी दुबई में जायदाद के मालिक निकले। उन्होंने 2015 में एक विला खरीदा जिसकी कीमत करीब 12,71,888 दिरहम यानी तकरीबन 9.60 करोड़ रुपए थी। अल्ताफ खानानी नेटवर्क, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने के इल्जाम में अमेरिका की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी, भी इस फहरिस्त में सामने आए हैं। इनका बेटा, बेटी, भाई और भतीजा दुबई में मुतद्दिद जायदादों के मालिक हैं। हामिद मुख्तार शाह भी मुतद्दिद जायदादों के मालिक के तौर पर दर्ज है। प्रॉपर्टी लीक्स में ये भी इंकशाफ हुआ है कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया दुबई में जायदाद की मालिक है। मोहसिन नकवी की अहलिया अरेबियन रेंचर्स में 5 बेडरूम विला की मालिक है। माहिरीन इक्तसादियात और नामा निगारों की जानिब से तजिया किया गया डेटा लीक के मुताबिक दुबई में गैर मुल्कियों की जेर मलकियत रिहायशी जायदादों की तादाद में भारतीय सर फहरिस्त है। दुबई में 29,700 भारतीयों की मलकियत में 35,000 जायदादें हैं। इन जायदादों की कुल मालियत का तखमीना इसी साल 17 अरब डॉलर लगाया गया है। जायदादों के मालिक पाकिस्तानी शहरी दूसरे नंबर पर है। यहाँ 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 रिहायशी जायदादें हैं। जायदादों के मालिकान में पाकिस्तानियों के बाद बरतानवी और सऊदी शहरी शामिल है। भारतीय वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने अपने असासे जाहिर कर दिए, इनके पास कोई घर या गाड़ी नहीं है। भारत
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जमा कराए गए हल्फनामे के मुताबिक इनकी 2.86 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट की सूरत में बैंक में मौजूद हैं, जबकि इनके पास 52,920 रुपए कैश मौजूद हैं। इसके अलावा 2 बैंक अकाउंट्स में 80,304 रुपए मौजूद हैं। इनके पास सोने की 4 अंगूठियां भी हैं जिनकी मालियत 2.68 लाख भारतीय रुपए बनती है। नरेंद्र मोदी ने 9.12 लाख रुपए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की मद में रखे हुए हैं, मगर प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक दुबई में घर खरीदने और असासे बनाने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी अव्वल नंबर पर हैं। दुबई में जिन भारतीयों की जायदादें हैं इनमें मोदी के दोस्त और एशिया के अमीर तरीन अफराद में से एक गौतम अडानी के भाई और मुकेश अंबानी की भी जायदादें हैं। भारत से दुबई में जायदादें बनाने वालों में ज्यादातर सनअतकार हैं, जबकि कुछ सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स और शोबिज़ शख्सियात वगैरह के भी नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दुबई को दुनिया का जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाने वालों में एशियाई ममालिक के सरमायाकारों का भी बड़ा हाथ है और इन ममालिक के कई शख्सियात की अपने मुल्क से ज्यादा दुबई में जायदादें हैं। यूं इस मैदान में भी इंडिया ने पहली पोजिशन हासिल कर ली है, मगर तजियाकारों की तरह फैसल वाडा का भी कहना है कि एक मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में नथी कर दिया गया है। इस फहरिस्त में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। प्रॉपर्टी लीक्स गंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज है। फैसल वाडा का कहना है कि पीटीआई के किसी भी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं। दुबई में प्रॉपर्टी जायज है या नाजायज, सब पर नाजायज का ठप्पा लगा दिया गया है। दुबई लीक्स में मेरा नाम भी है, मैं क्यों बताऊं मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है या नहीं। खेल अभी शुरू हुआ है, पहले से बताकर मजा क्यों खराब करूं। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग बड़ी अहम है। दुबई हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ सरमायाकारी मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर का इशू खड़ा होता है, फिर एक लीक्स का ऐलान किया जाता है। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी मुतवक्के है, ऐसे में लीक्स आ जाते हैं। इससे कबल सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में भी फैसल वाडा का कहना था कि प्रोपेगंडे के किरदार आलमी ताकतों से जुड़े लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। फैसल वाडा ने सवाल किया कि क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC और दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी है? क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मंसूबा बंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? फैसल वाडा का कहना है कि इस प्रोपागंडा मुहिम का हतमी हदफ कौन है, ये वक्त आने पर सबको बताएंगे।